नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। लालू प्रसाद यादव ने आज भक्तचरण दास के लिए एक अपशब्द इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर के अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है। जी हां, हम आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने कुशेश्वर स्थान के बारे में कहा था कि हारने के लिए हम कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान का सीट दे देते। इस बात पर भी आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने पलटवार किया और कहा है कि 6000 वोटों से जब कांग्रेस सत्ता में हार सकती है तो तारापुर में 15000 वोटों से आरजेडी ने हारा था, तो क्या इस बार आरजेडी जीत दर्ज करा पाएंगी। इन सब चीजों को लेकर के आज कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार लालू प्रसाद पे किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुनिए। दो बातें हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए नहीं दिए कि कांग्रेस जमानत नहीं बचा पाती। जब 6000 से हम कुशेश्वर स्थान हारे हैं तो हम अपनी जमानत नहीं बता सकते थे, तो 15000 से तारापुर में आरजेडी हारी थी तो अपना जमानत कैसे बचाती, नंबर एक। और आरजेडी ने जब जब कांग्रेस को छोड़ा है तब तब सत्ता से बाहर रही है, और आरजेडी के बिना कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। मैं याद दिलाऊं आप लोगों को और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि 2009 में इसी प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को 3 सीटें देके गठबंधन को तोड़ लिया था। तब यूपीए 2 पहले से ज़्यादा मजबूती से बनी और लालू प्रसाद यादव जी तब से सत्ता से बाहर आए, आज तक सत्ता में नहीं आए। तो जब जब आरजेडी ने हठधर्मता को अपनाया है तब तब सत्ता से बाहर आया है, और बिना कांग्रेस के समर्थन से बताएं ना कि कब उनकी सरकार बनी है और फिर आगे भी नहीं बनेगी। आज लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता हैं, वो बताएं कि कांग्रेस के अगर 19 विधायक उनको बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं चाहिए तो आखिर किसका चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का या नीतीश कुमार के समर्थन से अपने पुत्र को बनाएंगे मुख्यमंत्री। लालू प्रसाद यादव जी अपने आप के वंचित दलित शोषितों के नेता कहे जाते थे, लेकिन उनके जैसे बड़ा आदमी एक दलित नेता को इस प्रकार से कहना, भक्तचरण दास जैसे दलित नेता को इस प्रकार से अपशब्द बोलना जो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अगर उन्होंने जानबूझ के इस बात को बोला है तो जनता के सामने, दलितों के सामने, वंचितों के सामने, शोषितों के सामने खेद प्रकट करें। अगर उम्र के तकाजा और बीमारी के कारण बोले हैं तो बुजुर्ग और बीमार पे सब चलता है, हो सकता है उम्र का तकाजा हो, बीमार हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जानबूझ के बोले हैं तो एक दलित का अपमान है और दलित अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और किसी दोनों विधानसभा क्षेत्र में दलित शोषित वंचितों का एक भी वोट इस बार आरजेडी को प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे कि आपने सुना है कि लाल प्रसाद यादव पर सीधे तौर पर पलटवार कांग्रेस प्रवक्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि तारापुर कुशेश्वर स्थान पर जो आरजेडी के उम्मीदवार उतरे हैं वहां उनकी जीत नहीं होगी। और दूसरी बातें जो उन्होंने कही है कि लालू प्रसाद यादव को ये लगता है कि वो अकेले इस बार चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री देखने का ख्वाब देख रहे हैं, वो बिना 19 विधायकों के समर्थन के कैसे बन जाएंगे वो मुख्यमंत्री, क्या उन्हें बीजेपी या फिर जदयू का साथ मिलेगा। इन सब कई सारे सवालों से आज वो लालू प्रसाद यादव को घेरते नजर आए हैं, और एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि आरजेडी जब जब कांग्रेस को अलग की है तब तब वो हार का सामना की है और इस बार भी वो हार का सामना करेगी। और उन्होंने एक डाटा भी रखा है कि 2009 में जब आरजेडी ने कांग्रेस को 3 सीट दिए थे तब उनकी सरकार गिरी थी और आज तक उनकी सरकार नहीं गिर पाई है और आगे भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। इसी चीज के लिए आज कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को घेर लिया है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।